हम बाहरी नहीं हैं, बल्कि भारतीय हैं और बंगाल की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, यही है भवानीपुर के हिंदी भाषियों की भावनाएं। इस क्षेत्र से राज्य की सीएम ममता बनर्जी टीएमसी की प्रत्याशी हैं। ममता की प्रतिद्वंदी है भाजपा की प्रियंका टिबड़ेवाल। गुरुवार को ममता बनर्जी ने हिंदी भाषी वोटरों के साथ बातचीत की। जीत किसकी होगी, पीएम पद के लिए ममता योग्य है या नहीं, और हिंदी भाषियों को बाहरी कहे जाने के सवालों पर क्षेत्र के हिंदी भाषियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हिंदी भाषी। बोले कि ममता बनर्जी तो जीत रही है, ये तो पक्का है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, कितना मर्जी से ये जीते? अब किसी जीत के सामने आते हैं। यदि ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या वो माने सफल हो पाएंगी? देखिए, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकेंगे, जो जैसा काम करेगा उसको ठीक अपना स्थान मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने काबिल हैं? हाँ, नहीं होने क्या, जब मुख्यमंत्री इतना अच्छा सोचते प्रधानमंत्री बनने जाएगा। ममता बनर्जी बोले थे कि हिंदी भाषियों को बोले थे कि बाहरी लोग, बाहरी लोग, तो अब क्या मानते हैं? देखिए, बोलता आदमी ममता बनर्जी बोलिए, गलत बोली, क्या बोली, इसके बारे में तो बोले सही नहीं। हम लोग तो यही क्या, बाहर का इंसान हम लोग भी तो नहीं, हम लोग यही कही है। तो आप खुद को क्या बंगाल के मानते हैं कि मैंने कि हम बंगाल में पैदा हुए, अपने को बिहारी मानते हैं, पर बंगाल के वासी हम लोग। अभी तो ममता को नहीं ना देगा, जिसको जैसा इच्छा वो अपना देगा, हम लोग जैसा इच्छा, हम लोग अपना जिसको इच्छा देगा। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी यहाँ से जीतेंगे? जीतने का तो चांस है, बोल तो रहा है। हाँ जी, ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या देश को संभाल पाएंगे? यह कैसे बताएं, तो हमको अंदाजा नहीं होता। नहीं, क्यों बाहर का जन्म ही है, कलम ही है, तो बाहर के लोग क्यों मानेंगे? बाहर वाला लोग भी तो यही आके बसा हुआ है, देश है सभी बस, इसमें क्या है? अब ये आंकड़ा हम कैसे बोलेंगे, होगा तो अच्छे से जीतेगा, अच्छे बहुमत से जीतेगा, हर साल हर इलेक्शन में वो तो वहीं से खड़ा हो जीता। इस बार उसको क्या हो गया, दूसरा जगह चला गया, तो हर बार तो भवानीपुर से जीती है, खड़ा होती थी, सब कुछ वहीं से किया है, वहाँ घर है, उसका बात विचार है, सब कुछ। आदमी पोस्ट पर पहुँच जाता है, ऑटोमेटिक उसको दिमाग खुल जाता है। मुख्यमंत्री तो पहले नहीं था, मुख्यमंत्री हुआ, सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ कर लिया, तो ऐसे प्रधानमंत्री पद पर जो नसीब में लिखा होगा जाएगा, कोई तो उठा को बैठा नहीं देता है, अपना कर्तव्य करके लड़के तब जाता है। इंडिया का है, हिंदुस्तान का है, हिंदू भाषी है, हिंदू है, इंडिया का है, इंडिया में जितना भी राज है सब इंडिया का है। ये राजतंत्र प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जो राजतंत्र है वो समझता है मेरा संपत्ति है, जो प्रजातंत्र है वो समझता है प्रजा का राज है। जो भी प्रजा है सबका हक है, हर जगह पूरा इंडिया में सबको हक है। नहीं है कि वो जीते गए, हार भी सकते हैं, ऐसे बात नहीं, नंदीग्राम से हारिए तो वहाँ यहाँ से भी हर जीत सकती है। वो प्रधानमंत्री योग्य नहीं है, और बड़े बड़े नेता उसे भी, प्रधानमंत्री में एक अलग स्टेमिना होता है। वो ममता बनर्जी में कहाँ, हिंदुस्तान में जो भी आदमी है सब हिंदुस्तान का ही रहने वाला है, तो बाहरी लोग कैसे हो गया? बाहरी लोग का मतलब जानते हैं, जो नेपाल से आया हुआ है, बांग्लादेश से आया है, जो नेबर कंट्री से आया, जो फॉरेन और यूरोप से आया है, लैटिन अमेरिका से आया है, वो लोग हुआ बाहर का। कोई भी जीते किसने, तो हम ही लोग को पढ़ना पड़ेगा, आम पब्लिक को। अब दीदी का क्या खेल है, दादा का क्या खेल है, इसके बारे हम लोग को उतना नहीं मालूम, कौन जीते कोई हारे। हम लोग का चलना है इसी तरह से, हम लोग का चलना ही है, 2 किलो चावल 2 किलो गेहूँ इसी से। आजकल का जो दौर चल रहा है, जो परिस्थिति चल रहा है, आदमी लोग को नौकरी चाकरी किस परिस्थिति में गुजर रहे हो तो हम ही लोग जानते हैं ना। अच्छा अच्छा लड़का लोग पढ़े लिखे, उसको भी नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, तो दादा नहीं जानते हैं, दीदी नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो हर किसी से होता नहीं है, पहला बात, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अगर मान लीजिए हो भी गए तो शायद इसी तरह से देश चलता रहेगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है कि दादा होगा कि दीदी होगा। दादा तो अभी तक है प्रधानमंत्री, अब आगे चल के कौन होगा ये तो वही लोग तय करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते। सब तो हम लोग देश का ही आदमी है, इस
भारत का देश का आदमी है, अब बाहर का होगा तो बांग्लादेश जो बाहरी लोग बोलता वो देश नेपाल का होगा, और भी बाहर का बहुत से देश है। अभी जो हाल आपका यहाँ पे हो रहा अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रहा है, अब वहाँ से कोई अगर आ जाए तो वो हो सकते हैं बाहर का, हम लोग बाहर का नहीं है। 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव है। क्षेत्र में हिंदी भाषियों की तादाद अच्छी खासी है। देखना यह है कि इस उपचुनाव में हिंदी भाषी लोग दीदी को क्या उपहार दे रहे हैं। कैमरामैन सुमंत शर्मा के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।